जो आज हम जिस प्रोजेक्ट को रिव्यू करें उसका नाम है किंडो। किंडो जो है एक प्रूफ ऑफ सोशल यूटिलिटी प्लेटफॉर्म है। मीडिया सोशलिस्ट रेवोल्यूशंस के ऊपर ये प्रोजेक्ट आ रहा है। अब किंडो आप क्यों यूज़ करें, ये क्या है, फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। इन्फ्लेशन जो होती है क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो काफ़ी लोगों को जो है पुअर बना देती है, और जो डिफ्लेशन है वो न्यू कमर्स को लेस प्रोडक्टिव बना देती है। अब डिफ्लेमेशन में क्या होता है कि जी एक सिंपल सा टैक्स लगता है आपकी हर ट्रेडिंग के अंदर, होल्डिंग के अंदर, कोइंस के अंदर। तो ये जो है उन्हीं को रिडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है वो फिर फेल हो जाता है एक टाइम के बाद। जो न्यू कमर आते हैं उन्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। तो ये एक डिस इन्फ्लेशनरी सोशल कैपिटलिज्म का प्लेटफॉर्म बना रहे, जहाँ पे टैक्स नहीं होगा वहाँ पर प्रूफ ऑफ सोशल यूटिलिटी होगी। उसके मैकेनिज्म होंगे उसी के ऊपर जो है सारा सिस्टम चल रहा होगा। कैसे, सबसे पहले सोशल माइनिंग होगी। आप क्या करेंगे, आप अपने किसी भी NFT को जो कि किंडो प्लेटफॉर्म की तरफ से होगा उसको सोशल प्रोफाइल के साथ कनेक्ट करेंगे, और उसी के ऊपर जो है आपको किंडो कॉइन, QINDO कॉइन मिलेंगे। और जब आप बर्न करेंगे किंडो कॉइन्स को, अपवोट करेंगे अपने सिस्टम को और ट्रेड करेंगे आर्ग्यूमेंटेड NFT। जो NFT आपको मिला था आप किंडो के थ्रू, जो किंडो मिंट हुए थे, आप उन्हें बर्न करके उसी NFT को जो है एक न्यू किंडो इंटरफेस के साथ एक अच्छा और उससे बेहतर NFT बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने सोशल माइनिंग के अंदर आपको एक और NFT मिलेगा जो कि आपको ज़्यादा जो है आपके टायर्स बढ़ाएगा और किंडो जो है वो ज़्यादा क्लेमेबल होंगे। अब इससे क्या होगा, वो बर्न होते जाएंगे और ऊपर NFTs जाते जाएंगे। फिर होगी सोशल स्टेकिंग, हमने ऊपर पता सोशल सोशल माइनिंग, अब हम इस सोशल स्टेकिंग के ऊपर भी देखेंगे। इसके अंदर जो आपका किंडो बैलेंस है वो ग्रो होगा ईच टाइम अगर कोई भी बंदा किंडो कॉइन बर्न करता है या किंडो इंटरफेस के अंदर इंटरेक्ट करता है, तो उसे किंडो कॉइन बर्न होंगे और वो बर्न होकर उसका कुछ हिस्सा जो है हर किसी के बैलेंस में चला जाएगा और ये होल्डर्स के पास चला जाएगा। यहाँ पर ये फार्मूला है P=Q3 का, भी ये इनके फार्मूले हैं। उसके बाद सोशल फार्मिंग है जिसके अंदर चेंज बाय बर्निंग योर रिसीव्ड अपवोट, आप जो भी बर्न करेंगे उस रिसीव करेंगे अपवोट से किंडो कॉइन को या किंडो रिजर्व को ट्रेड करने के लिए आपको एक आर्ग्यूमेंटेड NFT मिलेगा किंडो इंटरफेस के अंदर, और उसे आप एक स्पेशल वोट कास्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और उससे आपको ज़्यादा Q7 के जो किंडो कॉइन है वो ज़्यादा और ज़्यादा मिलेंगे। फिर ड्यूअल रिफ्लेक्शन सिस्टम में आप एक इंस्टेंट बर्न ड्रिवन पॉजिटिव रिफ्लेक्शन और पीरियडिक मिंट ड्रिवन नेगेटिव रिफ्लेक्शन सप्लाई ड्रिवन रिबेसिंग सिस्टम होगा, जिसके अंदर कितने कॉइन बर्न हो रहे हैं, कितने कॉइन मिंट हो रहे हैं, उन दोनों को एक जगह पे होल्ड किया जाएगा ताकि जो सप्लाई है वो मेंटेन रहे और ज़्यादा चीज़ें ना हो। फिर होगा सोशल फंडिंग एंड लैंडिंग, जिसके अंदर आप अपने NFTs को कस्टम सेट करके फंजेबल कर सकते हैं फाइनेंसिस के अंदर, जिससे आप बोरो कर सकते हैं कॉइन्स, डॉलर्स, या फिर किसी को लैंड कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर Web 4.0 का कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर हाइपर फ्लूइड और लिमिटलेस हील्ड आएंगी, और ये आगे फ्यूचर में आएगा जिसके अंदर मीडिया सोशलिज्म आएगा, और आप ये वाइट पेपर यहाँ से पढ़ सकते हैं। बकाया यहाँ पर इन्होंने बताया है 1 बिलियन किंडो होंगे, 40% बाउंडी प्रोग्राम के अंदर जाएगा, 40% LP लॉकर्स को मिलेगा, LP लॉकर्स के लिए होगा जो 3 to 8 months होंगे, और इस तरीके से आगे होगा। आप यहाँ से गेट किंडो पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। बकाया तो कुछ ज़्यादा खास इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसके अलावा इनकी बाउंटी भी रन करिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं बाउंटी में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो नीचे मैं लिंक दे दूँगा, इसके अंदर लाजमी पार्टिसिपेट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।